हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू बेटा। दिस इज योर जीके वर्क। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वी स्लीप। वेयर वी स्लीप, हम कहाँ सोते हैं? हम कहाँ सोते हैं बेटा? आंसर इज बेडरूम। हम बेडरूम में सोते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन इज वेयर वी स्टडी। वेयर वी स्टडी, हम कहाँ स्टडी करते हैं? क्लासरूम। हम स्टडी कहाँ पे करते हैं बेटा? क्लासरूम। थर्ड क्वेश्चन इज वेयर वी रीड बुक। हम कहाँ पे किताबें पढ़ते हैं? हम कहाँ पे पुस्तक पढ़ते हैं? लाइब्रेरी। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन इज वेयर वी सिट विद आवर गेस्ट। हम अपने मेहमानों को कहाँ बिठाते हैं? वेयर वी सिट विद आवर गेस्ट, हम अपने मेहमानों को कहाँ बैठाते हैं? इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें देंगे कमेंट बॉक्स में। ओके स्टूडेंट्स, और आप लोग अब ये बताएंगे कि आप लोगों को ये जीके क्वेश्चन कैसे लगे। डियर स्टूडेंट्स, ये सब्ट्रैक्ट टाउन के कुछ सम्स यहाँ पे हमने नोट किए हैं। इन सम्स को किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो आइए देखते हैं। क्या है हमारा पहला सम? 7/3 को जब हम 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा? तो आइए हम सब्ट्रैक्ट करने का एक नया तरीका आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से आप माइनस वाले क्वेश्चन कर सकते हो। हम 7 लाइन लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 3। 3 लाइन को हम कैंसिल कर देंगे। अब देखते हैं हमारे पास कितनी लाइनें शेष बची हैं। 1 2 3 4, 4 लाइनें बची हैं। तो 7 में से हम जब 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 4। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 9/4। 9 में से जब हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा? उसे हम उसी रूल्स से ये वाला करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम लाइन 9 लाइनें खींच लेंगे। 9 लाइनों में से हम देखते हैं 9 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 लाइनों को हम इसमें से कैंसिल कर देंगे। 1 2 3 1 2 3 4, 4 लाइनों को हमने इसमें से कैंसिल कर दिया। अब आइए देखते हैं कितनी लाइनें बची हैं। 1 2 3 4 5, 5 लाइनें बची हैं। तो जब हम 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 5। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही जब हम 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसी रूल्स के अकॉर्डिंग 5 लाइनें खींच लेंगे। 5 लाइन में से हम 2 को कैंसिल कर देंगे, हमारा 3 बचेगा। तो हम यहाँ पे 3 नोट कर देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट है 3 में से 2। जब हम 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 1 आएगा। 4 में से 3 करेंगे तब भी हमारा 1 आएगा। 4 में से 4 लाइनें 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा? आइए दिखाते हैं। 4 लाइनें हमने यहाँ पे खींच ली हैं। 4 में से 4 को ही हमें कैंसिल करना है। 4 लाइनें ही हमने कैंसिल कर दी तो हमारा क्या बचा? कुछ नहीं बचा, इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिख दिया है। अब हम 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? 9 लाइनें खींच देंगे। 9 लाइन में से हम 2 कैंसिल कर देंगे, बची 7 लाइनें। 7 लाइन 7 को हम यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट है 8/4। 8 में से हम 4 को कैंसिल करेंगे, क्या आएगा हमारा? 4। अगर बेटा आपको ये सब चीज़ें समझ में आई हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करना ना भूलें। ओके, और अपने कमेंट हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। ओके, धन्यवाद।